जी अरे भाई, सबसे आपने वेदों की बात करी, मैं वेदों के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने जैसा कहा कि वेदों को क्या कहते हैं, लिखा गया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई। वेदों को लिखा नहीं गया है, बल्कि वेदों को उत्पन्न किया गया है। अच्छा, क्या हाँ, फर्क है इसमें? क्या फर्क है? मैं बताता हूँ, एक मिनट। दरअसल जो लोग कहते हैं कि वेदों को लिखा गया है, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ वेदों को लिखा नहीं गया है, वेदों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। उत्पन्न का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, क्या कहना मैं चाह रहे बताता हैं? हूं, चारों वेद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ठीक है, ठीक है, उससे निकले हैं, उससे निकले। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। किस किस के किसको दिए थे ये पुत्र, किसको दिए थे? मैं बता रहा हूं आपको। दरअसल जब ब्रह्मा प्रकट हुए, तो उसके बाद उन्होंने अपने मन की शक्ति से चार पुत्र उत्पन्न किए, और ये चारों हाँ पुत्र और कोई नहीं, वेद ही थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। अच्छा, लोग कहते ये उनका वेद का उनका नाम था। ये वेद, चारों वेद ब्रह्मा के पुत्र हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं समझ गया, मगर जिनको दिए गए थे उनका नाम ये था, यानी जो दिए नहीं, चलो दिए गए को कैंसिल करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि नहीं ये खुद नहीं वो नहीं पुत्र। इन्होंने ब्रह्मा जी ने खुद पैदा किया था, खुद खुद अपने पैदा मन से किया? पैदा। हाँ, हाँ, मन मानस से पुत्र पैदा है वो, किया, मन की ठीक शक्ति है, से। ठीक है, मन की शक्ति से। मगर जिनको ये वेद मिले थे, जिन्होंने इन वेदों को समझा था, अगर ये मनुष्य थे, ये मनुष्य थे भाई, मैं मनुष्य यानी ये पैदा क्या तो कि थे जो देखो नहीं पैदा किया नहीं ना, तो ये क्या थे? किताब थी, कोई दीवार नहीं थी, या कोई बंदा था? कौन था ये वेद? नहीं नहीं मैं आपको बताऊं तो, वैसे मैंने सुना देखा है कि मतलब एक प्रकार से ये पैदा तो एक, मतलब जैसे क्या है कि इंसानी तरीके से ही हुए थे, लेकिन ये बाद में किताब, मतलब जैसे किताब में बदल गए, बन गए, अच्छा, ऐसा था। यानी अच्छा, यानी इंसान थे, बाद में किताबें बन गई? हाँ भाई, कुछ ऐसा है कुछ। यार महाकाल, एक मिनट, मुझे समझ लेने दो। यानी आप ये कह रहे हो कि जो ईश्वर है उससे ये पॉपअप हुए, उससे आए, और उसके बाद ये लिखे नहीं गए, ये बंदे जो चार बेटे थे ईश्वर के, वो वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे ही है, हाँ किताबें बन गई। भाई, हाँ, एक प्रकार से। अच्छा ठीक है, वो कौन से प्रिंटिंग प्रेस में छपी थी किताबें, और वो इंक कहाँ से आई थी वो किताबें लिखने के लिए, वो कैसे छप गई? उन्होंने उन्होंने अपनी शक्ति से किताब बना दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें ये भी मैं बता देता हूं, आपको पता है ये किताबें फिर किसने ली थी आगे? अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद किसी ऋषि ऋषि को मिली थी ये किताबें। मुझे ये बताएं कि ये कब दी गई थी, कब दी गई थी? हाँ, ये ब्रह्मा जी ने एक ऋषि को खुद ही दी थी शायद। और हैं? हाँ, यानी ये पहले इंसान थे, कितनी देर में किताबें बन गए थे, कितना टाइम लगा था इनको किताबें बनते, एवोल्यूशन में कितना टाइम लगा था? अरे भाई, मतलब ऐसा भी मैंने पढ़ा देखा है, मतलब इतना मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक थ्योरी और है कि मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे एक प्रकार से, मतलब ये पैदा तो पुत्र के तौर पे इंसान क्या, या फिर कोई और शक्ति के तौर पे पैदा हुए थे, और बाद में ये चारों वेद बन गए, और आज वेद है। भाई देखो, बात ये नहीं है, दरअसल ये सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, इनको सारे रीराइट रिप्लेस किया गया है, इसलिए मैं एकदम एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाऊंगा। यानी इसका मतलब है कि इस वक्त वेद कहाँ हैं, कैसे हैं, ऑथेंटिसिटी जो है उनकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती जेन्युइनली, ये कहना चाह रहे हैं? मैं देखो, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, धर्म के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो साइंस चलो अपनी जगह काम कर ही रहा। नहीं, वो उसको छोड़ो, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप वेदों में मानते हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, वेद जो हैं ये इटर्नल हैं, इनकी कोई बिगिनिंग है, स्टार्ट है? ऐसा, हाँ, ऐसा माना तो जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया, पैदा किया, लेकिन बाद में अब समय समय बदलते बदलते इनको रीराइट रिप्लेस करता किया गया बार बार। अब आज के समय में हम जो वेद देखते हैं, ये भी 100% ऑथेंटिक है या नहीं है, इसके लिए बता पाना मेरे लिए फिलहाल नहीं, तो पॉसिबल मैं नहीं है, लेकिन हाँ, फिर वो भी मैं ठीक इतना है, जरूर वो कहना ठीक है, चाहूंगा, काफी जी हद तक जी ट्रू जरूर होगा। ठीक है, चलो काफी हद तक मिक्स हो सकता है वो, तो ठीक है, मगर हम 100% ट्रू को मानना चाहिए इंसान को, ऑथेंटिक चीज को। अच्छा, जब खास तौर पे वो धर्मशास्त्र जो, और जिसको हम ईश्वर की तरफ जिसको करते हो, लिंक करते हो कि ये ईश्वर का पुत्र थे, उसके ज्ञान। मगर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आप वेदों के बारे में क्या कहते हैं, इसकी कोई बिगिनिंग है? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि वेदों वेद भी इटर्नल हैं, कदीम है, इनकी बिगिनिंग नहीं है, इनका कोई स्टार्ट नहीं है, ये शुरू से ईश्वर के साथ थे वेद, ऐसे के ऐसे ही। देखो, हिंदू धर्म में जितने भी
जितने भी क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, जितने भी क्या कहते हैं आप फिलोसफर कह दो या फिर कुछ भी कह दो चाहे, उन सब की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। अब मैं किसकी आइडियोलॉजी पर 101 पर उतर जाऊं तो मैं नहीं बता सकता। अब जैसे एक मिनट सुन लीजिए, जब जैसे दयानंद सरस्वती थे उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन भाई दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद थे उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। हर भाई हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, पता तुम्हें। मगर मजे की बात बताऊं आपको, ये दोनों ही, आपने विवेकानंद नाम लिया ना और स्वामी विवेकानंद का लिया, ये दोनों ही एटर्निटी एटर्निटी के कायल थे। वेदास की ये कहते थे, वेदास की कोई बिगिनिंग नहीं है, ये शुरू से है, हमेशा से है वेदास, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। हाँ, नहीं, तो मैं तो कहा ना कि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया ना, ब्रह्मा जी ने पैदा किया, वो ठीक है, मगर वो पैदा करने का कोई समय होगा ना। फिर उसके बाद आपने कहा पहले वो पुत्र पैदा हुए थे मनुष्य, आस्ते आस्ते वो किताबें बन गए थे, मुझे नहीं पता कैसे बने थे, फिर वो ऋषि को दिए गए थे। दैट मीन्स कि एक टाइम गुजरा है इनके ऊपर जिस वक्त ये बुक्स नहीं थी। अच्छा, नंबर वन, बुक से भी पहले ये पुत्र भी नहीं थे, जो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है या वो उससे पॉप आउट हुए हैं, वो भी तो नहीं हुए थे ना एक टाइम पे। हाँ, तो फिर शुरुआत तो हुई, दैट मीन्स के वेदास की बिगिनिंग है। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के बकौल, ईश्वर का शास्त्र हो ही नहीं सकता या ईश्वर का ज्ञान हो ही नहीं सकता जब तक वो इटर्नल ना हो, तो वेदास तो खुद एक बिगिनिंग रखते हैं। देखो भाई, किताबें ठीक है, धार्मिक ग्रंथ अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है, वो जो परम सत्ता और अनंत ब्रह्मांड से मिलता है। तो क्या कहते हैं, अगर ये किताबें अगर कोई एक दफा इग्नोर भी कर दे, तो जो ब्रह्म ज्ञान है जो अनंत ब्रह्मांड के परम सत्ता से मिलता है, वो हमें मिल सकता है। तो किताबें पे भी इतना भरोसा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा।